सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। भारत देश अपनी विशालता संप्रभुता को दुनिया भर में स्थापित करता रहा है। कोटपूतली नगर पालिका पार्क के अंतर्गत वर्ष 2018 हजारों की संख्या में बाइक पर सवार लोगों का वंदे मातरम जय हिंद भारत माता की जय के आगाज के साथ जिस तरीके से सेंट्रल पार्क में 101 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया, वो तिरंगा न केवल देश का बल्कि एक एक नागरिक की आन बान शान का प्रतीक बन गया। दुर्भाग्य रहा कि वर्ष 2018 के बाद से वर्ष 2019, 20 और 21 यानी कि आज भी तिरंगा उस नगरपालिका पार्क में लहरा जरूर रहा है, लेकिन कभी 3 महीने, कभी 8 महीने और कभी 1 साल की अवधि में यह पोल जो आप देख रहे हैं, इस पे तिरंगा लहरा रहा है, ये अक्सर खाली रहा है। आज के दिन मैं केवल एक ही मैसेज करना चाहूंगा कि तिरंगे से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तिरंगे पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेशक तिरंगा स्थानीय नगर पालिका भाजपा बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस हो या देश के अन्यत्र कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उन सब की पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि तिरंगा है तो हम हैं। देश की आन बान शान के प्रतीक इस भारतीय ध्वज का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। मैं आभारी हूँ वर्तमान नगर पालिका बोर्ड पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सैनी का, आभारी हूँ अधिशासी अधिकारी फतेह चंद जी मीना का, जिन्होंने इंदौरिया समाचार जगत और इंदौरिया टाइम्स के द्वारा प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए जाने के बाद बराबर आपसे कोऑर्डिनेशन बनाए जाने का ही परिणाम है कि हर बार 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तिरंगा झंडा आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है, लहराने लगता है। आप सभी को एक बार पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच मौजूद हमारे
लेकर कोटपुतली को सशक्त और समर्थ बनाने का स्वप्न लेकर के इस कोटपुतली के युवा आप सब निकले थे। आपने तिरंगा यात्रा निकाली और ये संकल्प लिया कि कोटपुतली के नगर पालिका पार्क में 100 फीट से ऊपर का तिरंगा लगना चाहिए और मैं सपना पूरा किया कोटपुतली नगर पालिका की चेयरमैन और मैटर सैनी ने। मित्रों, जब तक हम सपने नहीं देखेंगे तो वह सपने पूरे नहीं होंगे। आजादी के 70 वर्षों के अंतराल में इस कोटपुतली को क्या मिला है सोचने की जरूरत है। मात्र चंद 2-4 चीजों के अलावा शायद कोटपुतली को आजादी के 70 वर्षों में कई स्थान मिला है तो सबसे पीछे का स्थान मिला है। और इसे अग्रणी लाने का जिम्मा किसका है? कौन इसको समर्थ और सशक्त बनाएगा? एक बार जोरदार नारे के साथ कहें कि कौन कोटपुतली को समर्थ और सशक्त बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कोटपुतली के युवा बनाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में यह भारत युवाओं का नंबर 1 देश बनने जा रहा है और पूरे भारत के अंदर यदि युवा प्रदेश कोई होगा नंबर 1 पे राजस्थान होगा और जनसंख्या के हिसाब से कोई शहर यदि सबसे अधिक युवा होगा तो यह कोटपुतली युवाओं का सबसे बड़ा शहर होगा। आप सबने संकल्प लिया कि सबने सोचा, सबको लग रहा था जब ये तिरंगा यात्रा की यूथ फोर चेंज के लोग निकाल रहे थे कि एक था कि कोई 1,500 लोग इस यात्रा में आएंगे, लेकिन एक कोटपुतली की इज्जत का सवाल था, कोटपुतली को ताकतवर बनाने का था, कोटपुतली को समर्थ और सशक्त बनाने का था और कोटपुतली के युवा को देश का नेतृत्व करना था। इसलिए 10,000 से अधिक कोटपुतली के युवा सड़कों पर थे। मेरे इस पूरे जीवन के अंदर यहाँ तक कि तो जो राजनीतिक लोग और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे राजस्थान में कहा कि कोटपुतली की एक ऐतिहासिक रैली युवाओं ने बना दी है। आज इस रैली को यहाँ पर तो बंद वोट लोग भी नहीं पहुँचे हैं, सब अपनी बाइकों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। इतना बड़ा मंजर, इतना बड़ा रैला कोटपुतली के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। और ये कैसे हुआ है? आपने इसको पूरा करके दिखाया है। मेरा आह्वान है आज आप सब लोगों से, ये तिरंगा जब आपने स्वप्न देखा तो आपके अनुज ने तिरंगे को लगा दिया और कितने कम समय में, जितना कहा उस स्वप्न को मात्र अगली 15 अगस्त ही पूरा किया। और किया किसकी ताकत पर? आप लोगों की ताकत पर, आप लोगों की ताकत पर। अब आप लोगों का सपना है इस कोटपुतली के अंदर रोजगार, इस कोटपुतली के अंदर बहुत ऐसे अवसर हो जो कोटपुतली के लोगों को पूरे भारत के मानचित्र पर लेकर जाएं। पिछले दिनों हमारे कोटपुतली के युवाओं ने शिक्षा में नए द्वार खोले हैं, कोटपुतली के अंदर बहुत से विकास हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल बनाई है, राजस्थान के अंदर 11 स्कूल बनी है, लेकिन कुछ सपने अभी भी बाकी है। वो सपने पूरे होने चाहिए कि नहीं? आज हम सब फिर एक संकल्प लेते हैं कि कोटपुतली के अंदर सीवरेज होनी चाहिए कि नहीं, कोटपुतली में सीवरेज होनी चाहिए कि नहीं। ये महेंद्र भाई सपने को भी पूरा करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और हम सब मिलकर इस सपने को पूरा करें।